नमस्कार बच्चों, मैं इंदिरा राय कुमार, उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय नूतन सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहले भाग में हमने लदलद का पाठ 10 वाक पढ़े थे। दूसरे भाग में हम इनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और साथ में व्याकरण पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 10 वाक के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, वाक में रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसे। बच्चों, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और किताब भी निकाल लीजिए, जिससे प्रश्न उत्तरों को करने में आपको सुविधा रहेगी। तो पहले वाक में ही इन्होंने बताया कवियत्री ने कि रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर रस्सी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो मनुष्य जीवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ रस्सी कच्ची और नाशवान है, जिस प्रकार रस्सी कच्ची और नाशवान होती है उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है। कब इस जीवन की सांसें टूट जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। उत्तर में आएगा बच्चों, कवियत्री ने पहले जीवन में हठयोग अपनाया प्रभु को पाने के लिए, फिर उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कवियत्री ने अपने जीवन को कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है, उनमें प्रवणता नहीं थी। उनका जीवन मिट्टी के सकोरे की तरह, पानी जिस प्रकार टपकता है उस तरह क्षण क्षण समाप्त होता जा रहा है। उन्हें यही दुख है कि उम्र बीती जा रही है और प्रभु को पाने का सारे प्रयास निरर्थक हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बच्चों, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है कि घर जाने की चाह माने प्रभु से मिलने की, जहाँ से आई थी वहीं जाने की चाह उन्हें सता रही है। यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है, जेठ तौली कौड़ी न पाई। इसके लिए पहले वाक की व्याख्या में देख सकते हैं आप, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि जेब टटोली कौड़ी न पाई का अर्थ है कि जब कवियत्री ने ईश्वर को देने के लिए, उतराई में देने के लिए अपनी जेब में देखा कि मेरे पास क्या है, तो संचित कर्म के रूप में उसके जेब में कुछ भी नहीं था। कौड़ी माने अमूल्य चीज, कौड़ी का अर्थ होता है कि नगण्य, कुछ भी नहीं है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव ये है कि इस संसार में आने के बाद, वो विलास में लिप्त रहने के बाद कुछ पाएगा नहीं, जीवन को यूं व्यर्थ गवा देगा, और नहीं खाएगा तो घमंड आ जाएगा, अहंकारी बन जाएगा कि मैंने त्याग किया है। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं बच्चों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल्लत ने क्या उपाय सुझाया। कवियत्री ने ईश्वर को बाह्य आडंबरों से प्राप्ति की अपेक्षा अंतःकरण में ईश्वर को खोजने की बात कही है। जिस दिन मनुष्य हृदय की सांकल जंजीर टूट जाएगी, उसी दिन ईश्वर को प्राप्त करने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। इसलिए मन से प्रभु की साधना करो और अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर समभाव में लीन हो प्रभु की भक्ति करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो बच्चों, यह भाव आई सीधी राह से गई न सीधी राह मैं वाक क्रमांक 3 में ये प्रयुक्त हुआ है। इसमें यह है कि जिस रूप में शिशु आता है संसार में, वह पवित्र ईश्वर रूप में होता है, ले और सारे जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए हठयोग करता है। हठयोग माने साधना, कठिन साधना करता है, बलिदान होम इत्यादि कार्य करता है, लेकिन उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और जब उसके उसने अपनी जेब टटोली, उसने देखा कि सारा जीवन बीत गया,
मेरे जाने की राह तो बड़ी कठिन है। तो इस वाक को आप याद कर लीजिए, वाक क्रमांक 3 को आपको याद करना है। प्रश्न क्रमांक 7, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ ज्ञानी शब्द से कवियत्री का तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान है, ना कि जो पुस्तकीय ज्ञान हम पढ़ते हैं। उनका कहना है कि प्रभु को मंदिर मस्जिद में ढूंढने की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पवित्रता में धारण करें, क्योंकि ईश्वर तो थल थल में वास करता है, कण कण में वास करता है। जिसने अपने अंतःकरण को जान लिया, जिसने अपने मन को पहचान लिया, वह प्रभु को भी जान लेता है, और इस प्रकार वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। बच्चों, सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद इस भाग में अपठित गद्यांश को जोड़ा गया है। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों होते हैं, इसे गद्य से भी लिया जाता है और पद्य से भी लिया जाता है। अपठित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से ना होकर साहित्यिक पुस्तकों से, अन्य पुस्तकों से लिया जाता है। और इस पहले तो हम अपठित शब्द का विग्रह समझ लें। इस शब्द की रचना में आ उपसर्ग होता है, इत प्रत्यय होता है, और इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, पाठ है। इस प्रकार आ धन पठ धन इत, अपठित जो पढ़ा हुआ पहले से नहीं है। तो अपठित गद्य और पद्य से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये हमारे प्रश्न उत्तर में पेपर में 5 नंबर का आता है। अगर इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़कर करें तो हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी को की समझ और अभिव्यक्ति कौशल एवं भाषिक योग्यता का विकास करना होता है, क्योंकि अपठित को बच्चा पढ़े, आप पढ़ेंगे और पढ़कर उसी के प्रश्न उत्तरों को वहीं से निकालेंगे, तो इससे आपका भाषाई कौशल विकसित होता है। इसके लिए कुछ बिंदु हैं, इन्हें अपनाएंगे तो आपको अपठित गद्यांश को पूर्ण करने में सुविधा होगी। जैसे गद्य और पद्य को सरसरी नज़र से पढ़ें, यदि समझ में ना आए तो दूसरी बार भी पढ़ें, और उसके अंशों और शब्दों को बहुत गहनता के साथ पढ़ें। गद्यांश और पद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए, उसको 2 बार पढ़ेंगे तो उसका मूल भाव समझ में आएगा कि ये किस बात को लेकर लिखा गया है। और इसका जो शीर्षक है वो मूल भाव पर आधारित होता है। शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल, नाम, पाठ का नाम होता है जैसे, तो ऐसे अपठित का नाम दिया जाता है, वह मात्र 2 या 3 शब्दों का होना चाहिए। जो शीर्षक है वो 2 या 3 शब्दों का होता है, इससे बड़ा लिखने पर उस आपको जो अंक मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। प्रश्नों के उत्तर सटीक शब्दों में देना चाहिए। वैसे तो अधिकतर अपठित में जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो क्रमवार रहते हैं, हम अपठित को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं, और अपठित का सारांश है वो पूरे गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ेंगे और जो मूल भाव निकलेगा उसको हम संक्षिप्त रूप में व्यक्त करेंगे, वो अपठित का सारांश कहलाता है। वह 2 या 3 पंक्तियों में ही पूर्ण होना चाहिए। अब हम एक अपठित गद्यांश पढ़ लेते हैं। दुनिया में के सफलतम व्यक्तियों ने सदा कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है, समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता। सूरज यदि समय पर उदय होना व अस्त होना बंद कर दे, वर्षा यदि समय पर ना हो, किसान समय पर अनाज ना बोए, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि विद्यार्थी समय की कीमत नहीं समझेगा तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी परिश्रम नहीं करेगा तो और उस दिन आराम करेगा तो उसे वांछित सफलता नहीं मिल सकती। तो बच्चों, जब मैंने यह पढ़कर सुनाया आपको तो क्या भाव आया कि दुनिया के सफल व्यक्ति कैसे सफल हुए, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। अब साथ में उन्होंने ये भी दिया है इस गद्य में
कि सूरज यदि समय पे उदय नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, माने प्रकृति नियम से काम ना करेगी तो क्या होगा? किसान समय पर अनाज ना होए तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, संसार की स्थिति कैसी हो जाएगी? तो इससे समझ में आता है कि समय पर कार्य करने का महत्व है, समय का सदुपयोग है यहाँ पर। अब हम इसके जो इससे प्रश्न बनाए गए हैं उनको देखते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्ति की सफलता का राज क्या है? तो बताइए बच्चों, पद की पहली लाइन में ही आ रहा था कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदा कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है, उनकी सफलता का रहस्य क्या है? समय का सदुपयोग। तो हम उत्तर लिख सकते हैं कि समय का सदुपयोग ही सफलतम व्यक्तियों की कुंजी है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकृति द्वारा समय प्रबंधन के दो उदाहरण इस गद्यांश से लिखें। तो प्रकृति के प्रबंधन में देखिए क्या आएगा, सूरज का समय पर उदय होना और अस्त होना, बारिश का होना। तो सूरज का समय पर उदय होना और अस्त होना, ये प्रकृति प्रबंधन के नियम में आएगा। तीसरा है कि विद्यार्थी द्वारा समय की कीमत न समझने से क्या हानियां हैं? इसका उत्तर होगा, अगर विद्यार्थी समय, ये तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर हम समय पर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए पद में, विद्यार्थी समय की कीमत नहीं समझेगा तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी परिश्रम नहीं करेगा और उस दिन आराम करेगा तो उसे वांछित सफलता नहीं मिल सकती। तो बच्चों, इसका उत्तर इन तीन लाइनों से हमें एक लाइन में बनाना है। उसका उत्तर लिखेंगे, विद्यार्थी द्वारा समय की कीमत ना समझने से वह इस वांछित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब शीर्षक कैसे लिखेंगे इसका? शीर्षक तो समय का सदुपयोग आना चाहिए, क्योंकि पूरी बात समय प्रबंधन को लेकर कही गई है। इस गद्यांश का जो सारांश है वो क्या आएगा? सारांश आएगा कि इस गद्यांश अपठित गद्यांश में का भाव ये है कि समय पर कार्य करने वाले जो समय का सदुपयोग करते हैं वह लोग जीवन में उन्नति करते हैं, आगे रहते हैं। और सब जीवन में सफल बनने के लिए हमें समय पर कार्य करना अति आवश्यक है। बच्चों, अब इसके बाद आता है उपसर्ग और ये गद्यांश में की तरह पद्य भी लिया जाता है। वो आपकी किताब से, आप छोटी जो क्लास निकल चुकी है जैसे चौथी, पांचवी, छठवी, उससे कोई भी पद लेकर आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब हम उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया में जो मूल शब्द होते हैं उनके शब्दांश में कुछ आगे या कभी पीछे जोड़कर नए शब्द निर्माण किए जाते हैं। तो ये तीन तरह से होते हैं, एक तो होता है उपसर्ग के द्वारा, और दूसरा होता है प्रत्यय के द्वारा, और तीसरा होता है समास के द्वारा। तो बच्चों, अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कोई मूल शब्द है उसके आगे शब्द लगा दिया जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपस्थित है, अनु लगा दिए तो अनुपस्थित हो गया। तो अ क्या है इसमें, मैं कुछ उदाहरण दे रही हूं, अ धन धर्म, तो अधर्म। अच्छा, इसमें जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। हमें उपसर्ग लगाने के लिए जिस भी शब्द में जोड़ेंगे उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब ईमान, ईमान माने होता है किसी व्यक्ति का ईमान, धर्म, सच्चाई। अब उसके आगे बे लगा दिया तो क्या बन गया, बेईमान। पूत माने पुत्र होता है, का लगा दिया तो कपूत। यहां पर प्रत्येक उपसर्ग का
अर्थ होता है। तो मैं यहाँ पर जो अन्य उपसर्ग दे रही हूँ उसके आप अर्थ समझ लीजिए। यहाँ अधि का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ, और जैसे इसका बना लेंगे अधिनायक, नायक के भी ऊपर अधिनायक हो गया। अनु, अनु माने पीछे या समान, तो अनुभव, अनुपस्थित। अप माने बुरा, हीन, तो मान माने होता है सम्मान, और आ लगा अप लगा दिए तो क्या बन गया, अपमान, उसका विपरीत बन गया, बुरा बन गया। आ माने ता और पर्यंत, अब जीवन है और आ लगा दिए तो आजीवन, जीवन पर्यंत। उत, उत का अर्थ निकलता है श्रेष्ठ और ऊपर। दुर और दुस, इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है बुरा और कठिन। अब जैसे भाग्य शब्द है, हमने उसमें दुर जोड़ दिया तो क्या बन गया, दुर्भाग्य, यानी बुरा भाग्य। साहस माने हिम्मत, और दुस्शब्द जोड़ दिए, दुस तो दुस्साहस, साहस तो अच्छा होता है लेकिन दुस्साहस दिलाना बुरा होता है, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। निर और निस माने नहीं और रहित, तो निर शब्द हम विकार में जोड़ देंगे तो निर्विकार, विकारों से रहित, और निष्काम, कामों से रहित। प्र, यहाँ पर प्रा का अर्थ है अधिक और आगे, तो बल, बल में प्रा लगा दिए तो प्रबल, आचार्य में प्रा लगा दिए तो प्राचार्य, प्राचार्य सारे शाला के शिक्षकों के ऊपर होते हैं। वी, वी का अर्थ है यहाँ विशेष और अलगाव, तो हम देश में विदेश लगा सकते हैं, तो विदेश विशेष बन गया, ये हमारे देश से अलग बन गया। सम, सम का अर्थ है समान और संयोग, मान में सम जोड़ देंगे तो सम्मान। उ और आ और अन, इसमें अभाव और निषेध है, इसका अर्थ क्या आएगा बच्चों, अभाव और निषेध। तो जैसे ज्ञान है, ज्ञान माने जानने वाला, और आ लगा दिए तो ज्ञान से रहित, अज्ञान हो गया। अधिकार माने किसी चीज पर अधिकार रखना, और अन जोड़ दिया तो अनाधिकार हो गया, माने उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सु माने अच्छा, ये उपसर्ग तो आप बहुत बार प्रयोग करते हैं, सुपुत्र, सुबुद्धि। कु माने बुरा, तो कुपुत्र, कुबुद्धि। नी, नी का अर्थ है बुरा और कम, तो डर माने भयभीत होना, और निडर डर से कम, डर से ऊपर, माने डर से रहित। दु माने बुरा या कम, तो बल माने बलशाली, और दु लगा दिए तो दुबला, दुर्बल। इस प्रकार बच्चों आपको अर्थ नहीं देना है, लेकिन मैंने भाषाई समझ के लिए आपको अर्थ बता दिए हैं। आपको तो सिर्फ शब्द के आगे जोड़कर उपसर्ग बनाना है, और इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड हैं, जो भाषा के अंत में जोड़कर, उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं, पहले, उपमाने पहले, और प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं, तो अंत में जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें मूल शब्द कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और प्रत्यय कहाँ जाएगा, पीछे। उपसर्ग में मूल शब्द बाद में आया था, उपसर्ग पहले आया था। तो अब देखिए इसे पालन, मूल शब्द क्या है इसमें, पालन, और हार, हार जगा दिए तो पालन हार। झगड़ा धन आलू, तो क्या बन गया इसमें, झगड़ा आलू। समझदार, समझ में हमने दार जोड़ दिया तो समझदार। ऐसे वाहन शब्द होता है गाड़ी वाहन। अब घूमना शब्द में अक्कड़ जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, घुमक्कड़, फक्कड़। ऐसे कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम अन्य प्रत्ययों को देख लेते हैं, जो मुख्य मुख्य प्रत्यय हैं वो बता देती हूँ मैं तुम्हें। ये आ,
यल नी आई आर कार गर पन आस आहट ता त्वे पा इला एक। अब जैसे देखिए, पकाऊ टिकाऊ मिठाई अड़ियल, और नी शब्द आया तो फूकनी भौंकनी आई कमाई। इस प्रकार से आपके ब्रिज कोर्स में प्रश्न क्रमांक 42 पर ऐसे प्रत्ययों का भाग दिया गया है, उसमें आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम इसके आगे जाते हैं। अब हम गतिविधि एक पर और दो में जा रहे हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में ये गतिविधि दी हुई है कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि भक्ति काल के अखिल भारतीय व्यापकता को दिखाने के लिए, जैसे अभी तक हम मध्य भारत का ही पढ़ते थे, अब ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कवियों को इसमें के बारे में हमें जानने का मौका मिला है, तो हम इनके बारे में कुछ गतिविधि करेंगे। जैसे इसमें भक्ति काल में हमने किन्हें कश्मीरी कवियत्री ललित को पढ़ा। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की अंदाल है कवियत्री, और कर्नाटक की अक्क महादेवी, और राजस्थान की मीरा। हमें इन तीन कवियत्रियों की जानकारी को लिखकर कक्षा में चर्चा करना है। तो मैं यहाँ पर आपको अक्क महादेवी और अंदाल के विषय में थोड़ा सा परिचय बता देती हूँ। महादेवी अक्का 12वीं शताब्दी की कवियत्री थी। ये कन्नड़ के उत्तर तड़ी गांव में एक साधारण गृहस्थ के यहाँ इन्होंने जन्म लिया था, और ये वीर शैव संबंधी कन्नड़ कविता की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। इन्होंने 430 वचन गाए थे, और अक्का महादेवी ने 10 वर्ष की आयु में शिव मंत्र ले लिया था, यानी गुरु दीक्षा ले ली थी, और ये फिर शिव भक्त हो गई थी। ये अपने शिव भगवान को चैन मल्लिका अर्जुन चमेली के पुष्प की तरह सुंदर कहकर प्रभु को पुकारती थी, और ये उत्तर भारत की मीरा कही जाती है। जिस प्रकार मीरा कृष्ण को प्रेम करती थी, उसी प्रकार अक्क महादेवी शिव से प्रेम करती थी। अब मीराबाई के विषय में हम चर्चा करते हैं। मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति कवियत्री हैं। ये राजस्थान की कवियत्री हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में माना था। वो कहती थी, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लेकिन समाज में महिला होने के कारण इनका विवाह राणा सांगा से कर दिया गया था, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सफल नहीं रहा। ये मूर्ति के साथ दिन रात भजन भक्ति करती रहती थी, और ये हमारे उस तत्कालीन समाज में अच्छा नहीं माना गया, और इसके कारण इन्हें जहर भी दिया गया। लेकिन कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण कृष्ण भगवान ने उस जहर के प्याले को भी अमृत में बदल दिया था। और इसी प्रकार अब तमिलनाडु की आंदाल कवियत्री के विषय में जानते हैं। दक्षिण भारत की ये मीरा कहलाती हैं, और आंदाल का जन्म सन विक्रम संवत 770 में हुआ था, और ये प्रसिद्ध आलवार संत थी। यहाँ आलवार का तमिलनाडु में अर्थ होता है प्रभु में लीन, प्रभु भक्ति में डूबी हुई। और ये वहां पर भगवान रंगनाथ के लिए, ये कृष्ण भक्त थी, वहां रंगनाथ कहते हुए, और भगवान रंगनाथ के लिए जो माला बनाती थी उस माला को वे स्वयं पहनती थी, और पहनने के बाद दर्पण में देखती थी और भगवान से पूछती थी कि क्या ये श्रृंगार आप ग्रहण करोगे। और बाद में माला उनको अर्पित करती थी। वयस्क होने पर इन्होंने श्री रंगनाथ से विवाह कर लिया, और इसी के बाद वह विग्रह में लीन हो गए। इसी प्रकार बच्चों, आप कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखना है, वो आप अपने पुस्तक के सहायता से या अन्य स्थान की सहायता से लेकर पूर्ण करेंगे। तो
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा और बहुत अच्छा रोचक लगा होगा। हमने अपने तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान की कवियत्रियों के बारे में भी जाना। अब आप उसमें थोड़ा सा गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य का उद्देश्य यहाँ रचना और अभिव्यक्ति है कि आप अपनी रचनाओं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बार बार समाज में परस्पर भेदभाव ना रखने के लिए कहा है, लेकिन समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? अपने विचार लिखेंगे आप, और आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं वह आपको लिपिबद्ध करना है। इसी प्रकार अन्य पाठ्य पुस्तक से अपठित गद्यांश का अभ्यास करें। बच्चों, आप जो क्लास पढ़कर आ चुके हैं, पिछली कक्षाओं से भी किसी पाठ का गद्य लेकर अभ्यास कर सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से उपसर्ग प्रत्यय ढूंढकर लिखिए। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।